हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की इस रीडिंग से देखते हैं व्हाट आर यू सराउंडेड बाय, क्या चीज़ें हैं जो आपको सराउंड किए हुए हैं। हो सकता है कोई आपको वॉच करता है, हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओर आ रही हैं, साथ साथ प्रेजेंट सिचुएशंस का क्या आउटकम होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, ये भी देख सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है प्रेजेंट सिचुएशंस अगर लगता है आपको आपकी हैं, सो रीडिंग से आने वाले आउटकम वो भी आपके ही होंगे। आप रिलैक्स रहें, कंफर्टेबल रहें एंड गॉड को याद करें। सबसे पहले देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। सो एट प्रेजेंट तो नेगेटिविटी चल रही है, द डेविल बॉटम ऑफ द डेक में है, जो बताते हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ में या लव लाइफ में कुछ बड़ा डिस्टरबेंस तो चल रहा है। इस वक्त आपके हस्बैंड वाइफ आपके साथ हो सकता है किसी तरह के लीगल इश्यूज में साथ में हो। लव लाइफ की बात करें तो आपके लवर या बिलविड इस वक्त आपसे कोऑपरेटिव नहीं है, आपसे बहुत कुछ उन्होंने हाइड किया हुआ है। आप चाहते हैं अपनी मैरिटल लाइफ को या लव लाइफ को सेव रखना, और इसके लिए जो प्रैक्टिकल आपके एक्शंस हैं वो भी काफ़ी डिसेंट दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी डिसेंसी को शो करती हैं। सिक्स 2-8 months ऑलरेडी हो गए हैं इस डिस्टर्बेंस को चलते हुए, लास्ट 6-8 months, एंड अभी भी इमीडिएट फ्यूचर में द हाई प्रीस्टेस हैं। इट मीन्स कुछ चीज़ें अभी भी हिडन हैं। ऑलराइट, 2-3 months के बाद थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हुए आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि वेदर यू शुड वेट और मूव ऑन, आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है, ऐसा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। इस वक्त भी आपने काफ़ी डेयरिंग ऑडेसिटी अपनाई हुई है और आप चाहते हैं अपनी पावर में कोई एक्शन लेना, बट इस वक्त नहीं ले सकते हैं। बट जो आउटकम है दैट इज़ 9 of Cups, इट मीन्स आप एट लास्ट अपनी जो विशेज हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए कोई डिसीज़न लेंगे। आपकी सिचुएशंस का जो आउटकम है दैट इज़ गोइंग टू 9 of Cups, इसका मतलब है आपकी जो विशेज हैं वो फुलफिल होंगी। लिब्रा पाइसेस साइन प्रोमिनेंटली देखे जा सकते हैं, साथ साथ नंबर 4, 6, 1, 2, 3, 7, 9 इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो इमीडिएट फ्यूचर में द हाई प्रीस्टेस हैं, इसका मतलब है कुछ कंफ्यूजन रहने वाला है कि आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं करेगा, इस बारे में आपको क्लैरिटी अभी नहीं मिलेगी। लेट्स सी व्हाट डज द हाई प्रीस्टेस वांट टू से।
एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ हार्ट, यही शो करते हैं फिर से आप जो डिसीज़न लेना चाहते हैं वो डिसीज़न एक बोल्ड डिसीज़न है और एक डिसीज़न इमोशनल डिसीज़न है। इसका मतलब है आप हो सकता है बचाना चाहते हैं बट आपके जो पार्टनर हैं वो ज़िद पर अड़े हुए हैं कुछ रॉन्ग एक्शन लेने को। तो हाई प्रीस्टेस वैसे भी कन्फ्यूज़न को शो करती हैं और क्लेरिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं हार्ट एंड स्पिरिट की एनर्जी आई है। सो इसके लिए व्हाट शुड यू डू, आस्क योर एंजल्स का मतलब है आप सिर्फ ट्रस्ट करें यूनिवर्स पर। सो अभी रीसेंट इमीडिएट फ्यूचर में तो कुछ मिस्ट्री ही दिखाई दे रही है जो कि अभी सॉल्व नहीं हो सकती है। एक पर्सन इमोशनली डील करना चाहते हैं और वहीं दूसरे पर्सन जो हैं आपके पार्टनर वो एक बोल्ड डिसीज़न लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। सो इसके बाद आप कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हुए और माइंड भी मेकअप कर रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स क्वालिफाई दी आउटकम। नाइन ऑफ कप्स क्या बताना चाहते हैं? जर्नी विद एप्रिशिएशन, आप अपनी ही इम्पोर्टेंस को समझकर फाइनली आपकी जो लाइफ की जर्नी है उस पर आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी विद होम किसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। कैरिंग कनेक्शन विद अटैचमेंट। सो एट प्रेजेंट अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड वाइफ या लवर बिलविट के साथ कुछ फॉल्स अटैचमेंट आप देख रहे हैं तो ये फॉल्स अटैचमेंट टाइम के साथ ही सॉर्ट आउट होगा एंड दिस पर्सन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो आप अपनी लाइफ की जर्नी इनके साथ ही देखेंगे। नंबर 14, 15, 2, 5 इम्पॉर्टेंट आए हैं इस जगह पर, 5 और 6 भी इम्पॉर्टेंट हैं। सो अभी इमीडिएट फ्यूचर में कुछ कन्फ्यूज़न है बट उसके बाद थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हुए कुछ समय और लग सकता है। आपके पर्सन हो सकता है ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए और वो आपसे फिर से लाइफ में आगे बढ़ने को एग्री हों साथ आपके, और आपकी जो विशेज हैं वो भी फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही हैं। सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट है। यहाँ कार्ड एंग्जाइटी वाले कम हैं, यहाँ कार्ड मिस्ट्री वाले ज़्यादा हैं। द हाई प्रीस्टेस 7 ऑफ कप्स बताते हैं कुछ मिस्टीरियस है, कुछ कन्फ्यूज़न है, किसी एक पर्सन का किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जाने का कन्फ्यूज़न यहाँ नज़र आ रहा है। सो Let's seek some angel's guidance in this case. साथ साथ आपको careful रहना है। The High Priestess immediate future में है जो दो तरह के actions को qualify कर रही है, emotional action and bold action. So इस बीच अगर आपका अपने husband wife के साथ किसी तरह का लीगल जस्टिस को लेकर के कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा है सो आपको इसे स्मार्टली डील करना है पेशेंस के साथ। और अगर आपके लवर या बिलविट आपसे किसी तरह के आर्ग्यूमेंट में आते हैं तो भी आपको लाइटली डील करना है बिकॉज इसके बाद 3 से लेकर 7th मंथ के बीच ये पर्सन ट्रांसफॉर्म्ड हो सकते हैं एंड उसके बाद आपकी लाइफ में
फिर से आ सकते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशंस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, पीसफुल रिजोल्यूशन भी होगा। पीसफुल रिजोल्यूशन कार्ड पिछले कुछ दिनों से बार बार आ रहा है, सो पीसफुल रिजोल्यूशन हो सकता है, श्योरली हो। सो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस भी यही कहना चाहते हैं, लिसन टू योर इंट्यूशंस, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपको इसे और क्रिटिकल नहीं बना देना चाहिए अगर आप इस रिलेशनशिप को सेफ रखना चाहते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन भी निकलेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।